अमरोहा पुलिस ने जाली करेंसी बनाने वाले गैंग के 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से भारी मात्रा में नकली नोट के साथ साथ अन्य सामान भी बरामद किया। दरअसल मुरादाबाद मंडल में पिछले लंबे समय से नकली नोट और फर्जी चेक के माध्यम से एक गैंग भोले भाले लोगों को चूना लगा रहा था। इस गैंग को पकड़ने के लिए जिला अमरोहा पुलिस के अधिकारियों ने एक टीम बनाते हुए जांच शुरू की तो एक शातिर गैंग के 4 लोग अमरोहा पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस अधीक्षक सुनीत ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने इनके पास से लगभग 7 लाख रुपए के नकली नोट के साथ ही भारी मात्रा में एटीएम भी बरामद किया। करीब 7 लाख रुपए 500-500 के हैं जाली करेंसी, एक लैपटॉप, एक लैमिनेशन मशीन है, 2 प्रिंटर हैं और एक नोट गिनने की मशीन है, साथ में 25 एटीएम कार्ड हैं इन लोगों के पास से, 4 मोबाइल फोन हैं, एक गाड़ी भी है जो इन्हीं में से एक के नाम रजिस्टर्ड है। अभी एसपी अमरोहा सुनीत ने बताया कि ये आरोपी बहुत ही शातिर किस्म के हैं। कामिल नाम का आरोपी पूर्व में ग्राहक सेवा केंद्र में काम करता था, जहां से वो लोगों के चेक कॉपी करके उनके साथ फर्जीवाड़ा करता था। पकड़े गए आरोपियों के पास से एक कार और दूसरा सामान भी बरामद किया गया। तो कामिल जो है, जो पूर्व में ग्राहक सेवा केंद्र में काम करता था, तो बैंक के साथ इसका एसोसिएशन था, जानकार था कि कैसे कौन कौन लोग हैं जिनके बैंक में अच्छे रुपए हैं, तो उनसे किसी माध्यम से उनका चेक का फोटो लेकर इवेंचुअली अपने गैंग मेंबर्स को देता था, जिससे वो एक जाली नोट, उसी तरह का एक जाली बैंक का चेक बनाते थे और उसको यूज करते थे। इसी क्रम में इन लोगों ने फिर नकली नोट भी छापना शुरू किया और उसको भी सर्कुलेट बैंक के माध्यम से या बाकी लोगों के माध्यम से करने का प्रयास कर रहे थे कि कोतवाली पुलिस ने इनको अरेस्ट किया है। आपको बता दें कि पुलिस को इनके पास से एक नोट गिनने की मशीन भी बरामद हुई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब तक इन्होंने कितने मासूम लोगों को अपना शिकार बनाया होगा। बहरहाल पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा। पंजाब केसरी टीवी के लिए अमरोहा से नदीम अहमद की रिपोर्ट।